धोनी वर्सेज कोहली और जियो दन दना दन। और हो भी क्यों ना, जितने छक्के आज लगे ना शायद ही इस आईपीएल सीजन में अब हमें इतने छक्के एक साथ देखने को मिले। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो आओ मारो मारो, अरे अरे इतना मत मार, अरे इतना मत मार। ये मैच हार और जीत का तो था ही नहीं, ये मैच था कौन किससे ज्यादा छक्के लगाएगा। आज सीएसके और आरसीबी ऐसा लग रहा था दोनों एक ही साइड से खेल रहे हैं और उनकी ओपोनेंट है बॉल। तो फील्डिंग आज ना आरसीबी ने करी ना सीएसके ने, उनके फील्डर्स को बॉल दिख रही थी यही गनीमत की बात है। चिन्ना स्वामी में आज अगर बर्फ भी गिर रही होती ना, बॉलर फिर भी पसीना बहा रहे होते, क्योंकि जिस हिसाब से बॉलर्स की कुटाई हुई है ना, आज कंपटीशन विकेट्स का नहीं था, आज कंपटीशन था छक्कों का कि कौन कितने कम खाएगा। अच्छा आरसीबी ने टॉस जीता और सीएसके को बल्लेबाजी के लिए इनवाइट कर दिया। ऋतुराज का ये दूसरा मैच है लगातार जहाँ पे वो आए और ये बोल गए मैं नहीं तो कौन वे। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई मैं चलता, ओके ओके भाई, ओके भाई। ऋतुराज के जाने के बाद में आए रहाणे, कोनवे और रहाणे ने टीम को एक अच्छा स्टार्ट दिया। फिर आए भैया दुबे और आरसीबी के बॉलिंग अटैक को तो ले ही डूबे। आपके घर में आके आपके घर का पानी पी के आपके सामने उनका पानी निकाला जाए। दो लाइनें लिखी है आपके लिए, अच्छी लगे तो कमेंट्स में वाहवा लिख देना। जब लगे शिवम दुबे के छक्के तो देख के रह गए सब हक्के बक्के। डेवन कॉनवे की कुटाई आरसीबी के बॉलर के आंखों में आंसू लाई। इसकी माँ का भोला चेहरा। रनों की बहती हुई गंगा में सबने हाथ धोए और फिर बारी आई आरसीबी के बैट्समैन की चेज गिरने की। तो हमारी चेज मशीन चेज मास्टर चीकू भैया आज अपना जल्दी विकेट गवा बैठे। और यार ये महिपाल लामरोर 226 के टारगेट को चेज करने के लिए कौन सी टीम की तरफ से खेल रहा था, बंदा 5 बॉल में 0 बना के गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर क्या होना था, डुप्लेसिस और मैक्सवेल ने टीम को संभाला और उन्होंने तो सीएसके के डेविन कॉनवे और शिवम दुबे से भी ज्यादा तेज गति से रन मारे और भाई दोनों ने दोनों एंड से सुताई गड़ना शुरू कर दिया। मुझे कोई एक बार भी लाते मत, या मेरी ख्वाहिश, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश, मुझे आपको। डुप्लेसिस और मैक्सवेल की पारी की बदौलत आरसीबी छक्कों के मुकाबले में तो सीएसके को ये मैच हरा गया, लेकिन अगर बात करें मुकाबले की तो आरसीबी हारसीबी ही रहा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो चेन्नई ने फाइनली ये मैच 8 रन से जीत लिया और कतई तोड़ू फोड़ू मुकाबला हमें आज ये देखने को मिला जहाँ पे हमें चौके छक्कों की बारिश होती हुई दिखी। तो मिलेंगे कल एक नए वीडियो में नए मैच के कंटेंट के साथ में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।